हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग। आई नो आप सभी लोग बहुत अभी एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस के 6 घंटे का एक्चुअल एग्जाम देकर। फर्स्ट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड पेपर आपका ये सीआरपीसी, सीपीसी और ऑलरेडी। और लेकिन स्टिल एग्जाम देने के बाद हमारे ऊपर एक क्यूरियोसिटी रहती है, अगर हमारा कोई भी पेपर थोड़ा सा गड़बड़ होता है या बहुत अच्छा जाता है, कि हम ये जानने की कोशिश करें कि बाकी स्टूडेंट्स का कैसा गया पेपर एक्चुअली, बाकी लोगों के क्या हमारा ही सिर्फ एग्जाम ऐसा था जो खराब गया है, या सिर्फ हमारा ही बहुत अच्छा गया है एग्जाम। ये जानने की क्यूरियोसिटी हम सभी में रहती है। तो इन सभी की क्यूरियोसिटी, आप सभी की क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए ये सेशन आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देती हूँ, क्योंकि ये चल रहा है हमारा स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल। यस, 4, 5 और 6, ये 3 दिन अनअकैडमी का है स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल, जहाँ पर आपको ये 3 चीज़ें मिलेंगी। दैट इज़, आप जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, उनसे चैट कर सकते हैं। ठीक है, लाइव चैट अवेलेबल है, आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी काउंसलिंग है, एक तरह से बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में इंटरैक्टिव पोल्स, बहुत अच्छे अच्छे पोल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है, इवन अबाउट योर कैरियर, कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, कंप्लीटली आपको ये स्पेशल क्लास पे अवेलेबल है। इन 3 दिनों आप इस स्पेशल क्लास पे आकर अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स अभी अभी रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके दिमाग में एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है। इवन इतने सारे जो हम लाइव सेशंस देखते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में रह जाता है। तो इसीलिए आपके लिए हम जो अनअकैडमी है वो लेकर आया है स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल, जिसमें देखो, अब स्पेशल चीज़ों के लिए तो स्पेशल फेस्टिवल बनता ही है। तो बिल्कुल इसीलिए आप जो है इस 3 दिनों में जो टॉप एजुकेटर्स हैं, उनसे लाइव चैट करके अपने सारी प्रॉब्लम, सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। क्योंकि अब बहुत सारे लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशंस, चाहे वो AIBE का एग्जाम हो, जैग का एग्जामिनेशन हो, हरियाणा जुडिशरी हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, सारे जुडिशरी अब एग्जामिनेशन सब आने वाले हैं। क्या करना होगा अब स्पेशल क्लासेस के लिए? आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी ऐप। वहां जाकर आपको ये क्लासेस एकदम, जो स्पेशल क्लासेस हैं, आप जैसे स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है ये डेट्स, ये स्पेशल सेशन जो है ये 4, 5, 6 का, इन दिनों में आप ये 3 फैसिलिटीज आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गई आपकी ज्ञान की बात। आगे बढ़ते हैं, हम आज की बात करते हैं आज के पेपर की। कॉन्स्टिट्यूशन का तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं लाइव, शांतनु सर ने एक एनालिसिस सेशन आप लोगों के लिए आफ्टर द एग्जाम कंडक्ट कराया था। अगर स्टिल किसी का मिस हुआ है तो डू वॉच दैट सेशन टू। अब बात करते हैं हम सीआरपीसी सीपीसी की, ज्यादा इन डिटेल नहीं जाऊंगी। आई नो बिल्कुल टाइम नहीं है इतना कि आप इतना लंबा सेशन अभी देख सके, क्योंकि आई अंडरस्टैंड आपको ऑलरेडी एक, आप कल के एग्जाम की पेपर 3 और पेपर 4 की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट से बात हुई है, जो मैंने पेपर देखा है, उससे मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर तो बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था उस पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट सीपीसी सीआरपीसी पेपर, तो सिर्फ अगर आपको लग रहा है कि पेपर ये तो गड़बड़ हो गया, इसमें थोड़ा अच्छा नहीं गया, तो डोंट वरी। एक्चुअली में मोस्टली स्टूडेंट्स का यही ओपिनियन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा प्रोविजन के अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा बन गए हैं। जैसे कि मैंने एक सेशन लिया था, उसमें कहा था कि नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन है ये बात, राइट? मैंने आप लोगों को उसमें ये चीज़ बताई थी कि नोटिफिकेशन में जो है स्पेसिफिकली मेंशन है। इसमें लिखा था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो प्रोविजंस यूज होते हैं, जो सेक्शंस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो एक्चुअली इट हैपेंड, उससे रिलेटेड प्रोविजंस को ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, और थोड़ा सा इन डेप्थ बहुत बेसिक प्रोविजंस कम पूछे हैं। ठीक है, और कुछ प्रोविजन डायरेक्ट भी पूछे गए हैं, कुछ ऑर्डर्स डायरेक्ट भी पूछे गए हैं, बट स्टिल एज आई सेड, गवर्नमेंट ऑफिसेस से रिलेटेड ज़्यादा प्रोविजंस हैं। और हम कुछ चीज़ें जो अवॉइड करते हैं, ग्रे एरिया से क्वेश्चंस भी यहाँ पर आए हैं। तो थोड़ा सा पेपर का लेवल अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर से कंपेयर करते हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े से कम थे। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी, द पेपर वॉज मॉडरेट,
आप ये समझ लीजिए द पेपर वॉज मॉडरेट आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि देखिए लास्ट पेपर 2019 में हुआ था, 4 साल के बाद ये एग्जाम हो रहा है, तो वेरी ऑब्वियस थोड़ा लेवल तो बनता है क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ चुका है। बट मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, हो सकता है इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर काफ़ी अच्छा भी गया होगा, क्योंकि किसी का क्रिमिनल पार्ट बहुत अच्छा होता है, किसी का नहीं होता। तो एक बात आप समझ लीजिए कि 4 पेपर आप दे रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि चारों पेपर एकदम एक्सीलेंट जाए। आप बोले मैम मज़ा आ गया एग्ज़ाम देकर, तो ये ज़रूरी नहीं है। हर एग्जामिनेशन में एक ना एक पेपर ऐसा ज़रूर होता है जो हम थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, तो उसके लिए आपको घबराने की डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आने वाले 2 पेपर्स पक्का अच्छे जाएंगे आप सभी के, और क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था स्पेशल वीक चल रहा है, राइट, तो स्पेशल क्लासेस स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए बनती हैं। स्पेशल क्लास के लिए आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ कल के पेपर में एक लास्ट मिनट रिवीजन मैंने सेशन करवाया है अभी रिसेंटली, है एविडेंस और लिमिटेशन का, आप वो भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अभी हिंदी का भी सेशन आप लोगों के लिए करवाने वाली हूँ, हिंदी इंग्लिश ग्रामर का, बस ब्रीफ में, नॉट इन डिटेल, क्योंकि आई नो यू नीड अ प्रॉपर स्लीप, कल एग्जाम देना है, तो इतना आप दोबारा से इतना कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। एक बेसिक चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी उसमें बताऊंगी, आप वो भी देख सकते हैं। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, इतना बर्डन के साथ कुछ नया पढ़ेंगे तो कल जितना पढ़ा है उतना भी आप अपने माइंड पे एक प्रॉपर अटेंशन के साथ उसमें अपियर नहीं हो पाएंगे। तो जस्ट रिवाइज व्हाट आई हैव टॉट इन दिस स्पेशल क्लास, दैट विल बी सफिशियंट, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी। और एज आई से बिंदास एग्जाम दो बिल्कुल टेंशन नहीं लेकर, और 6th को दैट इज ऑन मंडे, हम आपके लिए सजेस्टेड जो भी एक आंसर्स हैं, एक सजेस्टेड आंसर का सेशन लेकर आएंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट के जो आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर ऑन दी लाइव लाइव इटसेल्फ। और आप एक रफ अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सारा सेशन जो है वो आपके लिए कंडक्ट कराया जाएगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच अनअकैड, एक इसी प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक चीज़ की फैसिलिटी यहाँ मिल जाएगी। जब एग्जाम आएगा, रैपिड रिविजन सेशंस, एमसीक्यू, सभी कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे सेशंस आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में ऐसे हेल्पफुल सेशंस मिलते रहें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको कोई भी ऐसा नया नोटिफिकेशन या सेशन आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन, मैं इस तरह के और सेशंस आप सभी के लिए लेकर आती रहूँगी, और बाकी सारे एग्जाम्स के भी एनालिसिस जो है सून आफ्टर द एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।